Hello, students. Once again, I welcome you all in the new video. And, students, in this video, we are going to talk about some A vectors, okay, and the disease transmitted by them, okay. So, first is the Anopheles. Anopheles, which one, male or female? So, this is the female one, this is the female one. So, disease is malaria, okay, and second is the Qlex. ओके सो डिजीज नेम इज फाइलेरियासिस ओके और वी कैन से इट इज कॉमनली नोन एज एज अ फाइलेरिया ओके एंड नेक्स्ट इज द एडीज मॉस्क्यूटो सो इट कॉजेस या वी कैन से इट ट्रांसमिटेड येलो फीवर फी फीवर डेंगू या डेंगी एंड चिकन गुनिया चिकन गुनिया इज़ मोस्टली कॉमन इन टू गोरखपुर रीजन ओके एंड दीज आर द डिजीज ट्रांसमिटेड ओके दैट मीन्स कि बच्चों ये कि ये इनके जो पैथोजन uh, हैं उनको अपने साथ कैरी करते हैं फिर सुन लीजिए डिजीज़ ट्रांसमिटेड ऐसा नहीं कि डिजीज को ट्रांसमिट कर दिया बटा इनके जो पैथोजन होंगे जैसे मलेरिया का पैथोजन क्या है अगर कहा जाए तो बच्चों मलेरिया का पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम क्या होता है प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम मास्कीटो के अंदर आता है ठीक है बच्चा मास्कीटो के अंदर रहता है ठीक है फिर जहाँ जहाँ वो बाइट करेंगे तहाँ तहाँ उनको नए हेल्दी पर्सन में फैलाएंगे ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है मान लो मुझे मलेरिया हुआ है तो मुझे कोई अगर काटे मॉस्किटो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ अगर मैं हेल्दी हूँ तो देन दे इज़ दे अ प्रॉब्लम ठीक है बच्चों तो ये जो पैथोजन उनको होते हैं तो पैथोजन जाएगा तो डिजीज़ तो ट्रांसमिट तो हो ही रहे बच्चों ठीक है चले फिर बच्चों क्या है एडीज बता दिया हाउस फ्लाई देखो हाउस फ्लाई सैंड फ्लाई ये देखो ये देखो ये सब बच्चों आते हैं फ्लाई के केस में फ्लाई जानते हैं फ्लाइज ये सब किस में आते हैं मॉस्कीटो के केस में मॉस्कीटोज ठीक है मॉस्कीटो के केस में आते हैं बच्चों ठीक है चलें तो अब यहाँ पे चलते एडिस हो गया हाउस फ्लाई में देखा था टाइफाइड टाइफाइड इज कॉस्ड बाई सालमोनीला टाइफ, सार्मोला टाइफी सालमोनाल टाइफी क्या बैक्टीरिया है उसको अपने साथ ही कैरी करते हैं मान लो किसी ने थूक दिया कहीं उस पर बैठी हाउस फ्लाई फिर उस बैक्टीरिया को उठ के और आप दुकान के बाहर समोसा रख के समोसा खा रहे हैं ठीक है प्लेट में और आके वहीं बैठ गई और आप मस्त हैं बात करने में अरे यार बताओ क्या हाल चल तो मक्खी बैठ गई ठीक है ना इसीलिए बहुत गंदगी वाली जगह पे जो रेस्टोरेंट बहुत गंदगी गंदगी से भरा हो सड़क किनारे वहाँ पे नहीं खाना चाहिए तो सफाई के बच्चों आप कोई गारंटी नहीं कहां है कहाँ सफाई है कहाँ नहीं है ठीक है चलिए लेकिन एक बार अपने से आप प्रिकॉशन कर सकते हैं कॉलरा हो गया बच्चों और डिसेंट्री हो गया ठीक है अगला बच्चा फ्लाई एक्चुअली फ्लाई।, फ्लाई नाम के ऊपर बच्चों क्योंकि ये सैंड में रहती हैं ठीक है या सैंड के ऊपर रहती हैं तो काला आजार या इसी के नाम है डमडम फीवर एक्चुअली इट वाज फर्स्टली फाउंड इन टू इंडिया दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ इंडिया की बात तो डमडम डं नाम का एक जो है पोर्ट है ठीक है साउथ इंडिया में ठीक है उसी पोर्ट पे ये पाया गया है पाया गया था सी सी फ्लाई ठीक है तो बच्चों ये क्या करता था स्लीपिंग सिकनेस स्लिपिंग सिकनेस में देखो उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो सोना चाहता है लेकिन सो नहीं पाता ऐसा नहीं कि नींद नहीं आती उसको उसको नींद आती है बट ही इज़ नॉट एबल टू हैव अ स्लीपिंग वो स्लीप के मोड में जा ही नहीं पाता वो क्योंकि उसके ब्रेन में क्या है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है ठीक है बच्चों अगला बच्चों रेड फ्ली है ये क्या है बिबोनिक प्लेग बिफोर थ्री या फोर मंथ आपने सुना होगा कि वन मोर आउट ब्रेक इज कमिंग इन टू कमिंग इन कम केम इन टू द वर्ल्ड ओके एंड वंस अगेन द ओरिजिन इज देम ओरिजिन इज द सेम चाइना ठीक है तो चाइना में आया था कि बहुत लोग हो गए बहुत ज़्यादा इसमें आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखेंगे बिवोनिक प्लेग के नाम से टी वी पर आया था कि कोरोना के बाद ये आएगा पूरी दुनिया बचेगी नहीं अब ठीक है तो बच्चों यहाँ पे क्या है ये बिबोनिक प्लेग है ठीक है ये बहुत ये ये जो होते हैं ना माउस के अंदर होते हैं इसके जो पैथोजन होते हैं वो माउस के अंदर होते हैं ठीक है अब माउस को ख़त्म कर दो अपने आप बीमारी ख़त्म हो जाएगी